हेलो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स करके कहा था OMI क्रीम का जो बेनिफिट होता है उसको एक अलग वीडियो में बताओ और समझाओ क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या है क्रीम, कैसे वर्क करती है, क्या है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें कमेंट आई थी कि प्लीज़ उसके बारे में अच्छे से बताओ। तो आज का वीडियो मैं आपको बताती हूँ ये करता क्या है, इस क्यों ये चेहरे को गोरा करता है और किस वजह से इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये सबसे पहले इसके सबसे बड़ी बेनिफिट यही है कि एक वाइटनिंग क्रीम है, स्किन को गोरा करता है। इसके अंदर कुछ पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपकी स्किन को अच्छा बनाने में काफ़ी स्किन के कॉम्प्लेक्स को चेंज करता है, स्किन को लाइट करता है, ग्लो प्रोवाइड करता है, डार्क स्पॉट जैसी चीज़ें हैं काफ़ी लोग को प्रॉब्लम होती है उनको ख़त्म करता है, ये इसका बेनिफिट है। हाइपोपिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन, डिसकलरेशन जैसी प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को स्किन पे होती है उसको ख़त्म करता है, स्किन टोन प्रोवाइड करता है, देन आपकी स्किन को ब्राइटर बनाता है, लुमिनस कॉम्प्लेक्शन देता है आपकी स्किन को, ज़्यादातर गोरा करता है। ब्राइटनिंग फार्मूला है ये क्रीम, इसमें काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि स्किन को काफ़ी फ्री रेडिकल एंड स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, इन्वायरमेंटल डैमेज हो जाती है जैसे सनबर्न्स, सन की इफेक्ट की वजह से आपकी स्किन थोड़ी गंदी हो जाती है, जल जाती है, उसको भी ठीक करता है। अब देखो हमारे स्किन्स क्या से बने हैं, टिश्यू से बने हुए होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ सेल जिसे हम टिश्यू कहते हैं, तो वो टिश्यू से बना होता है। स्किन का जो हमारा फेस का अपर लेयर होता है वो एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है और वो क्या करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये वही चीज़ें हैं जो आप समझ पा रहे हो, स्किन को ये डीप तक हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन जो होती है वो सूख जाती हैं तो उसको ये हाइड्रेट मॉइस्चराइज करता है, डीप तक अंदर तक जाकर अब्सॉर्ब होता है, लॉन्ग लास्टिंग तक स्किन को हाइड्रेट करता है, ड्राइनेस को ख़त्म करता है। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं एंड देन ये स्किन को सॉफ्ट बनाता है, शपल बनाता है, हेल्दी आपका स्किन दिखेगा। अगर आपकी स्किन सूखी सूखी रखेगी तो लगेगा कि रूखा सूखा सा चेहरा है, थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आपकी स्किन जब मॉइस्चराइज रहेगी इस क्रीम की वजह से तो आपकी स्किन खिले खिले लगेगी। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका रेगुलर यूज़ करने से ये हेल्प करता है स्किन पे रिंकल्स, फाइन लाइन्स जैसी प्रॉब्लम हैं उनको ख़त्म करता है। ये प्रमोट करता है यूथफुल स्किन एंड प्लम्प कॉम्प्लेक्शन को एंड ये क्या करता है, क्लोजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लेमलेस। मैंने आपको बोला स्किन जो है एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है तो ये सारे वो चीज़ मदद करता है जो हमारे टिश्यूज़ को ज़रूरत होती है, स्किन को फ्लेमलेस बनाता है, क्यूट बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, समल बनाता है। इसकी छोटी ही सी अमाउंट जो होगी आपकी स्किन के लिए काफ़ी होगी, मसाज करते हुए इसे अप्लाई किया जाता है ईजिली चेहरे पर और आराम से आप इसे अप्लाई करके इसका प्रयोग कर सकते हो। शायद आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और भी तुम लोगों को कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस पर भी एक डेलिकेट वीडियो बना दूँगी। बाय।